क्या आपको पता है बियर मार्केट की स्ट्रैटेजी? लगता है सबको ही बताना पड़ेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा अभी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मार्केट में बियर रन आ जाता है, अभी तो बुल रन चल रहा है, पर अगर मार्केट में बियर रन आ जाता है तो हमें ऐसी कौन सी 5 स्ट्रैटेजीज हैं जो बनानी चाहिए और ऐसी कौन सी 5 स्ट्रैटेजी है जिस पर काम करना चाहिए। और हां दोस्तों, मैं आज आपके ये भी बात का आंसर दूंगा कि मार्केट में कब एंटर करना चाहिए और किस तरीके से एंटर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पहली स्ट्रैटेजी के साथ। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में एंटर करते हैं ना पहली बार, तब हमारा एक माइंडसेट होता है, इनफैक्ट सबका माइंडसेट होता है, वो ये कि हम कितना लॉस बियर करने के लिए रेडी हैं और हम मल्टीपल प्रॉफिट्स कितने अर्न करना चाहते हैं। तो जी हां दोस्तों, पहली स्ट्रैटेजी यही कहती है कि आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस को इवैल्यूएट करना है, यानी कि आपने सबसे पहले यह इवैल्यूएट करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कहीं आपका अमाउंट इतना इन्वेस्टेड तो नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि भाई रात को नींद ही नहीं आएगी अगर मार्केट बियर रन में चली गई। मतलब अगर पोर्टफोलियो रेड कलर का हो गया तो रात को नींद नहीं आने वाली है, ऐसा अगर इन्वेस्टेड अमाउंट है तो अभी बुल रन चल रहा है, आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक बार बियर रन आ गया तो उसके बाद निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि मार्केट में हमेशा से, पिछले जब भी मार्केट में क्रैश आया, यही देखा गया है कि जब मार्केट डाउन आती है तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब मार्केट वापस बाउंस कर जाती है। अगर आज आप डर कर रिस्क ना लेने का सोचते हो, यानी कि आज आप डर कर अगर लॉसेस में बेच देते हो, तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस को इवैल्यूएट करना है कि अगर मार्केट नीचे आ भी जाती है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा, और आपको पैसा लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टेड रखना है ताकि मार्केट में बाउंस आए और आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए। चलिए मूव करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे। दोस्तों, सेकंड स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये एक पर्सन ए और एक पर्सन बी है। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों के पास 26,000 रुपीज थे इन्वेस्ट करने के लिए। दोनों ने आईसीआईसीआई के शेयर लिए। मान लेते हैं कि आईसीआईसीआई के शेयर का प्राइस एक टाइम पर 260 रुपीज था। अब दोनों ने शेयर्स लेने थे आईसीआईसीआई बैंक के, लेकिन ए पर्सन ने क्या करा, 26,000 को 260 रुपए से डिवाइड करा, भाई 100 शेयर खरीद लिए। लेकिन बी पर्सन ने ऐसा नहीं किया, बी पर्सन ने 100 शेयर के बदले सिर्फ 20 शेयर खरीदे। ऐसा क्यों, देखते हैं अभी। अब क्या हुआ, मार्केट में बियर रन आया और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर नीचे आ गया। अब जब आईसीआईसीआई बैंक का शेयर नीचे आया तो एक टाइम ऐसा आया कि उसका शेयर 50 रुपए पे आ गया। इसके पास पैसे पड़े थे 26,000 में से इसने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो इसके पास बाकी पैसे पड़े थे, इसने बाकी पैसे से बचे हुए से और शेयर खरीद लिए। यानी कि अब इसके पास हो गए लगभग 500 शेयर, लेकिन उसके पास कितने हैं, सिर्फ 100 शेयर। आज अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का शेयर का प्राइस देखोगे तो वो लगभग 700 के करीब आ चुका है, यानी कि दोनों के दोनों प्रॉफिट्स में है। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट किसका है, ऑब्वियसली पर्सन बी का। क्यों? क्योंकि उसने बियर मार्केट का फायदा उठाया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जिसके लिए लोग वेट करते हैं। यानी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, हम सीधा का सीधा एक ही बार पैसा डाल देते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, हमें हमेशा स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर मान लेते हैं मैं 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं, तो मैं सिर्फ 20% अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दूंगा, नीचे आएगी तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दूंगा, जिससे मुझे एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक अच्छे लेवल की लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास पैसा रेडी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप थोड़ी सी लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश करो, और अगर आप अभी नए इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा अमाउंट आप आज इन्वेस्ट कर दो, अगर कल को बियर रन आया तो आपके पास अमाउंट होगा और इन्वेस्ट करने के लिए। तो दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई दैट मेंटेन अ गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी। लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी नंबर 3। दोस्तों, स्ट्रैटेजी नंबर 3 के बारे में मैं जो बताने वाला हूं, वो शायद हो सकता है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो हो सकता है आपको नहीं समझ आए। स्ट्रैटेजी नंबर 3 कहती है हेजिंग करना।
हेजिंग का मतलब यह है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से अपने जो लॉसेज हैं उसको हेजिंग करके चलिए। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन हो सकता है कि आपको पता हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, बट आज की वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियोस में मैं जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं वैसे बताना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके शेयर का प्राइस डाउन जा रहा है तो आप हेजिंग कर सकते हो, आप उस शेयर के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हो। मैं मानता हूं कि अगर आपको नहीं पता कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है तो आपके लिए ये जो स्ट्रेटेजी नंबर 3 है वो यूजफुल नहीं है, बट ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे और जिनको पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, तो वो ये बात को समझ पाएंगे कि जब भी बियर मार्केट आती है और आपके पास कोई शेयर है तो आपको उसके फ्यूचर्स को या तो शॉर्ट करना पड़ता है या फिर उसके पुट ऑप्शंस को खरीदना होता है, ताकि आप जो लॉसेस में जा रहे हो इक्विटी की वजह से वो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से हेज कर सको। चलिए मूव करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 4 पे। दोस्तों अगर हम पिछले 30 साल की हिस्ट्री निकाल कर देखें ना, तो 4 बार मार्केट में क्रैश हुआ था। सबसे पहला 1991 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, 1995 में जब .com बबल बर्स्ट हुआ था, 2008 में जब सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आए थे एंड 2020 में जब COVID-19 आया था। इन चारों बार में आपने एक चीज नोटिस करी कि कभी भी मार्केट जीरो तक नहीं गई, यानी कि आपका पैसा जीरो कभी भी नहीं हुआ था। किसी ने भी अगर इन्वेस्ट किया था तो जीरो कभी भी नहीं हुआ। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर मार्केट वापस बाउंस कर गई और ऐसा बाउंस करी जैसे क्रेजी बॉल बाउंस करती है, यानी कि हमने जरा सा फेंका और मार्केट बाउंस करके इतना ऊपर आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अब क्या करना है, हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि अगर बियर मार्केट जाती है, यानी कि बियर मार्केट में अगर मार्केट बियर मोड में जाती है और मार्केट नीचे आना शुरू होती है, तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है, हमें वो पॉइंट स्टडी करना है कि मार्केट कब उसमें बाउंस कर जाएगी और उस पॉइंट पर जाकर हमने पैसा इन्वेस्ट करना है। अब बात ही आती है वो पॉइंट कैसे ढूंढे। वो पॉइंट ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो क्या है, स्टडी। यानी कि आप पिछले 4 साल में जब ऐसा हुआ, यानी कि पिछले 4 बार जब ऐसा हुआ, जब स्कैम हुए या फिर जब बबल बर्स्ट हुआ, जब भी मार्केट क्रैश हुई, आप ये देखो कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सा इवेंट हुआ या ऐसा कितना टाइम लगा मार्केट को रिकवर करने में और बाउंस करने में। अगर आपने ये स्टडी कर लिया तो ये चौथी स्ट्रैटेजी आपको क्या बना देगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नंबर 5। दोस्तों लास्ट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है ये सुन के आप हिल जाओगे। लास्ट स्ट्रैटेजी है हमारी कि कुछ नहीं करना, डू नथिंग। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जब आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है और आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है या नहीं भी है लिक्विडिटी, तो आप कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। और एक बार ये चेक कर लीजिए कि इंडियन वॉलेटाइल इंडेक्स यानी कि विक्स कितना चल रहा है इस टाइम पे। अगर विक्स 20 क्रॉस कर चुका है, दैट इज मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आ चुकी है, हायर हाईज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुकी है, तो इससे बेटर है कि आप मार्केट में एंटर करें, आप मार्केट को फिलहाल थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए और वेट करिए कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 20 से नीचे आ जाए। जब वो 20 से नीचे आएगा तब आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज हमने 5 स्ट्रैटेजी सीखी बियर मार्केट में जो आपको हेल्प करेगी आपको ग्रीन पोर्टफोलियो देने में, यानी कि आपको प्रॉफिट्स में लाने के लिए, जिसमें से पहली स्ट्रैटेजी थी कि आप अपना रिस्क टॉलरेंस इवैल्यूएट कर लें, दूसरी स्ट्रैटेजी कि आप ये देखें कि आपके पास गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी होनी चाहिए, तीसरा आप हेजिंग कर सकते हैं यूजिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, चौथा आप स्टडी करें, देखें कि कैसे मार्केट बाउंस करती है और किस पॉइंट पे आके बाउंस करती है, और लास्ट डू नथिंग, यानी कि अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स 20 क्रॉस कर चुका है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने आपकी हेल्प करी होगी कि कैसे आप बियर मार्केट में स्ट्रैटेजी बना के अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हां सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।